अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का दिन अगर जमहूरियत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही अफसोसनाक कह सकते हैं। यकीनन भाजपा के कई लीडरों ने मुसलमानों को लेकर मुस्लिम समाज या मुस्लिम तहजीब पर बारहा हमले किए हैं। नई संसद शुरू हुए अभी दो दिन भी नहीं हुए, लेकिन भाजपा के सांसद रमेश बिठूरी ने जो अल्फाज बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली पर जो बयान दिया है और भरे ऐवान में इस तरह की जुबान इस्तेमाल की है, जिससे एक बार फिर भाजपा के रमेश बिठूरी ने महज मुस्लिम होने पर जो कहा, वाकई शर्माना। क्या इसके लिए अल्फाज ही नहीं है? आखिर इतनी गिरवी टिप्पणी आखिर भाजपा की जानिब से क्यों की गई? इस पर अब सियासी गलियारों में चर्चा जारी है। अब आम आवाम को बाजारों में, स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम डिलीवरी बॉयज को, कॉलेजेस में तलबाओं को सुनाए जाते रहे हैं। पर अब आवाम की जानिब से चुने गए संसद को मुस्लिम होने की बिना पर कटुआ, दहशतगर्द, उग्रवादी, भड़वा कहना और फिर तुझे बाहर देख लेता हूं कहना इंतहाई कह सकते हैं। कुंवर दानिश अली ने इस पर कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस कौम ने इस मुल्क के लिए सब कुछ निछावर किया, सब कुछ दिया, आज उस कौम के आम इंसान तो दूर की बात, आवाम की जानिब से चुने गए संसद को भी इस तरह के बयानात का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर ताज्जुब की बात यह है कि दिगर भाजपाई संसद इस पर हंस रहे हैं। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? इस पर ना सिर्फ मुस्लिम सियासी लीडरों को सोचना होगा बल्कि आवाम, उलमा, दीनी रहबर, जिम्मेदारों को भी सोचना होगा कि बात कहां तक बढ़ चुकी है। स्पीकर ओम बिरला ने महज चेतावनी दी है कि अगर आगे से इस तरह का बयान दिया तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल तो मौजूदा बयान पर है। आगे दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा एक अलग बात है। क्या इस तरह के घटिया संसद और जहनी बीमार भाजपाई को संसद से बाहर निकाला जाएगा या ये भी एक तरह साजिश के तहत ही बयान दिया गया? इस पर तस्करा जारी है। दिगर पार्टियों के नेताओं ने इसे बेहद शर्मनाक कहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बिठूरी की गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि नफरत भरे बयान के लिए कोई खास हक नहीं होता, रमेश बिठूरी को गिरफ्तार किया जाए। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर महुआ मोइत्रा ने एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा है कि मुसलमानों और ओबीसी को गाली देना भाजपा की तहजीब का हिस्सा है, ज्यादातर को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। नरेंद्र मोदी भारतीय मुसलमानों को उनके ही देश में इस कदर डर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है कि वे सब कुछ बिना शिकायत सह लेते हैं। उन्होंने भी मुतालबा किया कि वजीर आजम मोदी और लोकसभा सदर को भी बिठूरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यसभा मेंबर और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर लिखा है, भाजपा सांसद ने बसपा मेंबर कुंवर दानिश अली के लिए तौहीन आमोज अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, कोई शर्म नहीं बची। क्या लोकसभा सदर संजीदगी से तवज्जो देंगे और कार्रवाई करेंगे? आम आदमी पार्टी के कई संजय सिंह ने कहा कि क्या बिठूरी की जुबान आरएसएस की शिकायत तहजीब का हिस्सा है? उन्होंने कहा, मुझे मणिपुर में हुए तशद्दुद का मौजू उठाने पर माजूर कर दिया था, इनके सस्पेंड कर दिया था। कुंवर दानिश अली को गाली देने वाली इस संसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? आपने बिठूरी के बयान के दौरान हंसने पर भाजपा के हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद की भी मजम्मत की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान क्लाइड क्रास्टो ने एक्स पर कहा कि बिठूरी को गैर संसदीय जुबान का इस्तेमाल करने के लिए सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा? क्लाइड क्रिस्टो ने कहा कि ज्यादा खराब बात यह है कि भाजपा के हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद इस तरह से बिठूरी के बोलने से रोकने या उनकी बात सही कराने की बजाय हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा सदर को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। क्या भाजपा उन्हें पार्टी से सस्पेंड करेगी या फिर उन्हें कोई और बड़ा ओहदा इस कारनामे के लिए दिया जाएगा? क्रिस्टो ने सवाल किया कि इस तरह के बर्ताव पर सख्त कार्रवाई करने के उन्हें महज इशारा दिया जाता है कि दोबारा इस तरह का बयान न दिया जाए। इतनी नरमी क्या सिर्फ भाजपा होने पर बताई जा रही है? इसलिए खैर, इन तमाम के बीच पूरे मुस्लिम समाज और दिगर सेक्युलर जमातों को भी सोचना होगा। अब सेक्युलर जमातों के बजाय मुस्लिम कायद, मुस्लिम उलमा, जिम्मेदारान और पूरी कौम को अपना मनसूबा बनाना होगा, क्योंकि भाजपा इसके पीछे कोई साजिश जरूर लाई है। गिरती मोदी की साख, गोदी मीडिया का बायकॉट, 14 न्यूज एंकरों की फेरिस इंडिया गठबंधन की जानिब से जारी करना, G20 नाकाम होना, स्कूल कॉलेजेस यहां तक बाजारों में भी मुसलमानों को हिरासा करने की बढ़ती वारदातें, रोजाना मुसलमानों की नस्लकशी के बयानात देते, अब संसद तक मामला पहुंच चुका है। जानबूझकर मुस्लिम होने पर जलील करना और दिगर भाजपाइयों का इस पर मुस्कुराना इस बात की तरफ जरूर इशारा करता है कि अब मुसलमानों के लिए और भी सख्त हालात आने वाले, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। मोदी साहब सिरे क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। इट इज प्लीज
ए उग्रवादी बोलने भी तू कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कठवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी जी सर अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात करते रहे ना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, इफ एनीथिंग रॉन्ग, इफ एनीथिंग रॉन्ग, अभी रोज पढ़ रहे थे। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा, आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है, क्या हम इसलिए चुन के आते हैं, क्या देश के को आजादी इसलिए दिलाई गई थी, क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा। दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अब कि क्या यह स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है, पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है। अब बस देखना इतना है कि रमेश विदुड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ, उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी है। आज एक और वारदात पेश आई। आज खानापुर के टोपिनकट्टी गांव में दो गिरोह आपस में टकराए और पथराव भी होने की इत्तला हासिल हुई। महज छोटी सी वारदात बड़े हादसे में तब्दील हो गई है, ऐसा यहां के आवाम ने बताया। कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए दलितों के घर पर पथराव किया, ऐसा भी बताया जा रहा है। दलित समाज की जानिब से एट्रोसिटी मुकदमा 6 अपराधों पर दायर किया गया, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ अरसे से यहां एट्रोसिटी के मामले पेश आ रहे हैं पर कार्रवाई सख्त नहीं हो रही है, ऐसा भी बताया जा रहा है। लिहाजा टोपिनकट्टी गांव में तनाव का माहौल है, दोनों गिरोहों से सुलह की कोशिश जारी है, ऐसा भी इत्तला हासिल हुई। Hey,
के हालात देख रहे हैं, सिर्फ मजहब धर्म की बुनियाद पर ही बेबुनियाद बयानात देना, यही काम इनके पास रह गया है। और जहनी बीमारों के बयानात इसी जमरे में पाए जा रहे हैं। अब ये यतनाल पाटिल एक ऐसा शख्स है जिसे काम धंधा कुछ नहीं है, तो यतनाल पाटिल किसी तरह एक भड़काऊ बयानात के जरिए वो सुर्खियों में रहना चाहता है। लिहाजा एक बार फिर जो भी सनातन धर्म के खिलाफ है उन्हें पाकिस्तान भेजो का बयान दिया। अब इसमें कुछ दम भी नहीं रहा, इस तरह के बयानात अब पाए जा रहे हैं। अब इसे क्या कहा जाए कि ये खुद ही क्यों स्टालिन या ये राजा को पाकिस्तान नहीं भेजता, क्योंकि वैसे भी हुकूमत तो इन्हीं की है और ये मरकज में यही लोग तो इख्तदार पर बैठे हुए हैं और वजीर आजम वजीर दाखिला सभी तो हिंदुत्ववादी है, बोलने की क्या जरूरत है। और कुछ भक्त इस पर तालियां पीटते रहते। आइए सुनते हैं इसका बयान। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ आज एक और फिर का परस जहनियत मुतालिक का बयान आया। इसने भी एक बार फिर जहरीला बयान देते हुए कहा कि अगर किसी ने इस तरह की मुखालिफत की तो मस्जिदों में गणपति बिठाने की हिम्मत हिंदू समाज में है। हुबले अंजुमन इस्लाम को देशद्रोही जैसे अरकाब से नवाजने वाले मुतालिक पर क्या कार्रवाई होगी, ऐसा सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है। ये भी बात समझने से कासिर है कि आखिर इस तरह के बेतु के बयानात देने पर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इतना तो इस मुतालिक को समझ में आना चाहिए कि अंजुमन हुबली ने अदालती फैसले को तस्लीम करते हुए खामोशी इख्तियार की है, पर अक्सर देखने में आया है कि कानून न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाकर बयानबाजी करने की आदत भारत में कुछ फिरका परस लोगों को होती जा रही है। लिहाजा समाज विरोधी ताकतों की नकील कसी जाए ऐसी मांग समाज में की जा रही है। और हुकूमत भी कांग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेतुके बयानों का सिलसिला मुस्तकिल जारी है, ये भी एक अजीब मामला कह सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಇವತ್ತು ಈ ಮೈದಾನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು, ಯಾರು ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಯಾರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇವತ್ತು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂನವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂತ ನೀಚ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳಿವರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಮಸೀದಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಕೂಡಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದೀವಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.